सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ने एक मिसाल कायम की है। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ने सिवान के तमाम उन गरीबों के लिए एक रास्ता खोल दिया है जिसमें वो काम नहीं करने और मजदूरी नहीं मिलने के बावजूद भी भूखे नहीं सोएंगे। जब से भारत में लॉकडाउन हुआ है तब से प्रत्येक दिन सोसाइटी हेल्पर ग्रुप किसी न किसी माध्यम से गरीबों के घर में भोजन पहुंचवा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले हैं और रोज़ की कमाई के बाद अपना घर का पालन पोषण करते हैं उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप उनके सामने रोज़ किसी न किसी प्रकार से भोजन पहुँचाता है, चाहे वो भोजन बना के हो या फिर कच्चा भोजन हो। कभी आटे चावल उनके घर पहुंचाए जाते हैं तो कभी पूरी सब्जी कंटेनर में पैक करके पहुंचाए जाते हैं। सोसाइटी कोरोना वायरस का जो प्रकोप हमारे देश में पूरे विश्व में है, हम नमन करते हैं। देखते हुए हमारे भारत सरकार ने लॉकडाउन किया है 14 अप्रैल तक। उस लॉकडाउन में देखा जा रहा है कि पूरे भारत में सारी दुकान सारे चीज़ बंद हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत ही रिक्शा चालक ठेला चालक जो उनका प्रतिदिन वो अपने कमा कर अपने जीवन व्यापन करते थे, अभी देखा जाए तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ रहा है। तो हमारा ग्रुप का प्रयास है कि ना हम लोग खुद अपने घर पर खाना बनाया जाए और उन रिक्शा चालक और ठेला चालक तक और अन्य गरीबों तक पहुँचाया जाए ताकि वो अपने भूख को मिटा सके और अपने आत्मा को उनकी शांति पहुँच सके। शुभ नमस्ते अनमोल कुमार अध्यक्ष।